हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं अनीता जैन आज 5 किचन टिप्स बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम मिक्स दाल बनाते हैं तो हमें दाल किस तरह से लेनी चाहिए? इस तरह से मुट्ठी ले ले भर के। तो ये एक आदमी की एक मुट्ठी काफी होती है, तो जैसे 5 आदमी है तो उनकी 5 मुट्ठी ले ले। ये मैंने 5 मुट्ठी ले ली है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले ले। कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले ले और फिर इसे भिगो दे। कम से कम दाल को आधा घंटा भीगने के लिए रख दे पहले, और फिर हम दाल बनाएंगे तो दाल जल्दी भी बनेगी और स्वादिष्ट भी बनेगी। जब भी हम हरी मिर्ची को काम में लेते हैं, जैसे चटनी बनाई या सब्जी में डालते हैं, तो इनके बीज निकाल ले। इस तरह से बीज पहले तो निकाल ले। हरी मिर्ची के बीज निकाल कर ही हरी मिर्ची को काम में लेना चाहिए, क्योंकि हरी मिर्ची के बीज ये शरीर के लिए गर्मी करते हैं, तो इन्हें नहीं खाने चाहिए। जब भी हम दाल बनाते हैं कुकर में, तो दाल डाल दिया है, ये जो झाग आते हैं इन्हें हम निकाल लें। इस तरह से झाग को निकाल लें। ये झाग काफी नुकसानदायक है शरीर के लिए, इसीलिए इन्हें निकाल लिए। अब जो भी हमें मसाले डालने हैं वो डाल ले और फिर दाल बना ले। जब भी हम दही जमाते हैं तो एक दिन तक तो दही सही रहता है, लेकिन दूसरे दिन हम दही को काम में लेते हैं तो थोड़ा खट्टापन हो जाता है और थोड़ा खराब हो जाता है। तो ताजा बनाए रखने के लिए हमें कोई भी कच्चा नारियल ले ले या पका हुआ नारियल का टुकड़ा ले ले, इसे दही के अंदर डाल दे और फिर फ्रिज में रख दे, तो ये ताजा बना रहेगा। जब भी हम ज्यादा क्वांटिटी में प्याज काटते हैं तो आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, तो वो नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो ऊपर नीचे के छोर हटा देंगे और फिर आधा काट लेंगे और इनके छिलके हटा लेंगे। और फिर इन्हें काट के पानी में डाल देंगे। इस तरह से पानी में डुबो के रख देंगे 10 मिनट के लिए। फिर हम प्याज काटेंगे तो आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।